नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ का जो साइंस का चैप्टर नंबर 15 है उसे कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। ठीक है, तो क्लास सेवेंथ में हमने पवन, तूफान, चक्रवात इन सब के बारे में जो है वो जाना था कि जलवायु, मौसम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इस अध्याय में हम दो ऐसे और विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा तणित और भूकंप, ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तणित से। ये तणित क्या होता है, ठीक है, तो जैसे जो विद्युत के तार जब ढीले हो जाते हैं तो हमने खंभों में से जो है वो चिंगारियां निकलती हुई देखी होंगे, ठीक है। ये परिघटना जो है वे उस समय अधिक हो जाती है जब हवाएं जो है वो चलने लगती हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों वायर हैं, हवा चलने के कारण ये वायर जो है ये आपस में जो है वो कभी सट जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्पर्श कर जाते हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में जो है वो विद्युत जो है चिंगारियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं, या तो जो वायर जो है जो तार होते हैं वो कट करके नीचे गिर जाते हैं, तथा अगर इसमें अभी भी विद्युत आपूर्ति जो है वो बंद नहीं की गई तो ये जो है लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है, ठीक है। तो बहुत पुराने समय में जो है, या फिर जैसे कि जो हमारे जब हम किसी भी चीज़ को सॉकेट में लगाते हैं अगर वो ढीला हो जाता है तो वहाँ से जो है वो चिंगारियाँ जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो पुराने समय में लोगों की ये अवधारणाएँ थी कि जब आकाश में जो है वे बिजली चमकती है तो लोग ये सोचते थे कि भगवान जो है वो हमसे क्रोधित हो गए हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। वास्तव में ये हवा, अब हम सब ये जानते हैं कि ये बादलों के बीच जो आवेश होते हैं उन्हें एकत्रित होने से ये जो हमारे तणित होती है, जो बिजली होती है, ये पैदा होती है, जो कि बहुत ही विनाशकारी तथा एक विशाल स्तर पर विद्युत चिंगारी जो है ये उत्पन्न करती है। तथा इनसे जो है हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी सावधानी जो है वो बनानी चाहिए, ठीक है। तो चिंगारियाँ जो हैं जिनके विषय में यूनानी लोग जो थे वो जानते थे, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व जो है पहले प्राचीन जो यूनानी थे ये जानते थे कि जैसे एक एम्बर, ठीक है, इसे जब हम रगड़ते हैं तो बालों की जो हल्की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था पिछले अध्याय में, ठीक है, घर्षण वाले, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जैसे कि जब हम किसी भी चीज़ को, या फिर बल वाले चैप्टर आप कह सकते हैं, दोनों में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि हम अगर किसी भी प्लास्टिक चीज़ को लेकर के अपने बालों में रगड़ते हैं, फिर उससे किसी आप एक तरह से किसके पास ले गए थे, जो हमारे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास जो है आपने ले गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या किया था, देखा था कि जो कागज़ है वो प्लास्टिक के और जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। तो यही क्रिया जो है यहाँ पे भी होता है। हमने देखा कि जब हम ऊनी अथवा पॉलिस्टर वस्त्र को अपने शरीर से नीचे उतारते हैं तो हमें चर्चा चर्चा जैसे ये कुछ चटपट चटपट ऐसी वो ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। तो ये इनके साथ साथ कभी कभी जो है वो हमें चिंगारियाँ भी छोटे मात्रा में जो है वो दिखाई देती हैं। तो सन 1752 में अमेरिका वैज्ञानिक, ठीक है, अमेरिका में जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने ये दर्शाया कि तणित जो है ये हमारे वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी जिसके कारण जो है वो आवेशों के प्रभाव से होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो है हमें 2000 वर्ष लग गए इन्हें पूरा करने में या फिर समझने में, ठीक है। अब हम विद्युत आवेश के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे कि आकाश में जो है वो बिजली किस प्रकार से तड़कती है, ठीक है। तो विद्युत आवेश की प्रकृति को समझने के लिए आइए हम यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है वहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्लास्टिक के पैमाना जो है वो सूखे बालू पे रगड़ना है तथा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित हो जाता है, ठीक है। रगड़ द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो बाल पेन था उसे जब हमने अपने बालों में रगड़ा, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो जब हम प्लास्टिक की रिफिल या फिर कोई पॉलीथीन लेते हैं उनके साथ रगड़ते हैं तो ये कुछ विद्युत आवेश जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऋण प्लस है तो प्लस वाला जो है वो रिफिल के अंदर चला गया, माइनस वाला जो है वो प्लास्टिक जो आपका पॉलीथीन था उसी में रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार जब प्लास्टिक की कांघी को हम अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं तो भी हमारे कुछ पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे सर से उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर आवेश जो है वो ज़्यादा है,
ठीक है, तो वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। ट्रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी जो है ये आवेशित करने के लिए पॉलीथीन को बाल से रगड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप 15.2 में आपको एक सारणी दी गई है, ठीक है, कि जब हम रिफिल लेते हैं पॉलीथीन तथा ऊनी वस्त्र से उसे रगड़ते हैं तो कागज़ के टुकड़ा वो आकर्षित होता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, गुब्बारा रगड़ते हैं ये भी हो जाता है, आवेशित होता है। रबड़ जब हम उनसे रगड़ते हैं तो जो है वो कागज़ के टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है, आवेशित भी नहीं होता है। ठीक है, स्टील का चम्मच जो है उसे अगर हम पॉलीथीन तथा ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो भी वो क्या है, आकर्षित नहीं होता है, आवेशित भी नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं आवेशों के अन्य प्रकार जो है, इनके अन्योन क्रिया क्या है, इनकी अलग क्रियाएँ क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप जो है 15.3 जो है वो आपको करनी है। आपको दो गुब्बारे फुलाने हैं, इन पे लटकाना है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, आपको कपड़े से रगड़ देना। जब हम दोनों को कपड़े में रगड़ देते हैं तो दोनों के ऊपर जो है वो एक आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कपड़े से अगर हम किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो वो जो है वो धन आवेश उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में जो है वो धन आवेश उत्पन्न हो गया, तो दोनों एक ही आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कि ढकेलेंगे। ठीक है, न कि आकर्षित करेंगे। ठीक है, और जो हमारे सामान्य अभिक्रियाएँ होती हैं उसमें हमने ये देखा, ठीक है, कि जो गुब्बारे होते हैं उसे जब हम प्लास्टिक के रिफिल के पास ले जाते हैं तो क्या होता है कि ये भी क्या करता है कि उसे आवेशित या फिर आकर्षित जो है वो कर लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आवेशित गुब्बारे होते हैं जो कि रिफिल को आकर्षित नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये इंगित ये करता है कि जो गुब्बारे पर आवेश होता है ये रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का होता है, इसीलिए जो है ये आकर्षित नहीं किया, इसीलिए प्रतिकर्षित नहीं किया। ठीक है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वो दोनों एक ही हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके सजातीय आवेश जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर प्रतिकर्षित अगर करते हैं जबकि वे विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो मान्यता के अनुसार जो है वो रेशम को रगड़ने पर जो हमारी कांच की छड़ होती है, ठीक है, उसके द्वारा अर्जित आवेश को हम क्या करते हैं, धन आवेश कहते हैं। अगर हम किसी भी रेशम से रगड़ने पर जो कांच की, मतलब आप कह सकते हो कांच की छड़ पे अगर आप किसी भी रेशम के कपड़े वस्त्र किसी से भी रगड़ रहे हैं तो उस कांच के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब आवेशित कांच पे जो है छड़ पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो आवेशित जो प्लास्टिक होती है वो एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बल तथा दाब वाले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, जो हमारे असंपर्क बल थे ये उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रगड़ने पर यहाँ पे एक विद्युत आवेश अस्थैतिक हो जाता है, ठीक है, जो कि स्वयं गति जो है वो नहीं करता है। ठीक है, जो कि हमने आवेश जो है वो गति करते हैं। ठीक है, और जिससे जो है वो विद्युत धारा बनती है। ठीक, अब बात करते हैं विद्युत धारा के कारण ही जो बल्ब होता है वो चमकता है। ठीक है, तार गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनमें जो है वो आवेशों का प्रवाह नहीं होता। अब बात करते हैं आवेशों के स्थानांतरण, जो आवेश होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है कि एक बोतल लेनी है और एक हारमोनियम की छड़ जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी हो और 1 सेंटीमीटर चौड़ी हो, ठीक है, इसे आपको लेना होगा। ठीक है, और इसे जो है यहाँ पे जिस तरह से आपको इस फिगर में दर्शाया गया है, इसे आपको एक डब्बे में जो है वो लटकाना है। ठीक है, कार एक बड़े कागज की सहायता से, ठीक है, आपको जो है वो करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम वहाँ पे ये क्या देखेंगे कि जब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं कि हमारे एल्युमिनियम के छड़ को लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है विद्युत आवेश जो होता है, धातुएं अच्छी चालक होती हैं, इसलिए सामान आवेश की जो पट्टी होती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी या फिर वो क्या करेगी, फैल जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी उठ जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार की युक्ति जो है अगर हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, तो कोई वस्तु जो है वो अगर आवेशित होती है या फिर नहीं होती है, इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो किसी आवेशित वस्तु या फिर अन्य वस्तु के जो धातु के चालक होता है, धातु के द्वारा जो चालन किया जाता है वहाँ तक भेजा जा सकता है। ठीक है, पेपर क्लिप जो है वो धीरे से हम अपने हाथ में लेते हैं तो जो हमारी पन्नी होती है वो पट्टियों के एक परावर्तन देखने को मिलता है, वो क्या करता है अपनी मूल स्थिति से इधर उधर जो है वो हटने लगता है। ठीक है, यही कारण है कि जब स्पर्श हम करते हैं पट्टियों में एक आवेश जो हमारे शरीर में होने वाले पृथ्वी की जो
चला जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि पन्नी में जो है पट्टियाँ वो अनावेशित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसी वस्तु को छूते हो जिसके अंदर आवेश है, ठीक है, आपको उस वस्तु को छूते ही उस वस्तु का आवेश जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानव शरीर होता है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है, सुचालक है, ठीक है, जो कि तुरंत ही उस वस्तु से हमारे शरीर में आवेश जो है वो प्रवेश करता है तथा हमारे शरीर से होते हुए वो भूमि के अंदर भू संपर्क चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तड़ित की कहानी की, तड़ित जो है वो किस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो जो तड़ित होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो तूफान होते हैं उसमें हम जानते हैं कि यहाँ से जो गर्म हवाएं होती हैं वो उठती हैं, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठती जाती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इकट्ठा एक जगह हो जाते हैं, जो कि बादल जो है बूंद नीचे गिरते हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो जो हमारा धनावेश होता है वो क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो है बादल के ऊपर एकत्रित होता है, ऋण आवेश जो है वो बादल के नीचे की तरफ एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी पर जो है वो बहुत सारे धनावेश होते हैं, ठीक है, तो जब कोई धनावेश ऋण आवेश के संपर्क में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर आवेशों का जब परिमाण जो आयतन होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है जब अधिक हो जाता है, तो अब जानते हो कि वायु जो है वो विद्युत का हीन चालक है, तो उसे पृथ्वी पर आने से जो है वो रोक नहीं पाता है, कोई भी प्रतिरोध जो है उसे प्रदान नहीं करता है, ठीक है, जिसके कारण जो है ऋण आवेश धनात्मक आवेश से जब मिलता है, ठीक है, तो प्रकाश की एक चमकीली धारियां जो है ध्वनि उत्पन्न करते हुए हमें सुनाई देते जिसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, ठीक, और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, विद्युत विसर्जन, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, विद्युत विसर्जन, ठीक। तो जो हमारा विद्युत विसर्जन होता है ये दो अथवा दो अधिक बादलों के बीच हो सकता है, ठीक है, अथवा जो हमारे बादल होते हैं तथा पृथ्वी के बीच जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऋण आवेश को धन आवेश मिलेगा वहाँ पर जो है वो तड़ित जो है वो चलेगी, विद्युत विसर्जन जो है वो होगा वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए जो है हमें डरना नहीं चाहिए, लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी मूल परिघटनाओं को जो है मतलब वैज्ञानिक जो है कठोर परिश्रम कर रहे हैं कि अगर जो है तड़ित किसी भी व्यक्ति तथा किसी वस्तु पर गिरती है तो वहाँ पे जो है वो भारी नुकसान संपत्ति जो है हानि होती है, उसके बचाने के लिए उपाय जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि तड़ित अगर हो चल रही है तो उससे सुरक्षा जो है वो किस प्रकार से की जाए। तड़ित एवं झंझा जो होती हैं उस समय जो हमें खुले स्थान पर सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है, हम वो पॉजिटिव टर्मिनल हो सकते हैं, पॉजिटिव सिरा हो सकते हैं जिसपे जो है बादल से नेगेटिव होने के कारण जो है जो बिजली है वो हमारे ऊपर जो है वो गिर सकती है, ठीक है। तो गरज सुनने के लिए सुरक्षित स्थान पर हमें तुरंत पहुंचने के लोगों को चेतावनी देनी चाहिए तथा अंतिम गर्जना जब हो, ठीक है, उसके कुछ समय बाद जो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसके बाद हमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो सुरक्षित स्थान का पता जो है लगाना, ठीक है, कोई मकान अथवा जो हमारे भवन होते हैं वो सुरक्षित स्थान है या नहीं है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम किसी कार या फिर बस के अंदर हैं तो वहाँ की जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं उसे हमें बंद करके एक जगह सुरक्षित हो जाना चाहिए, ठीक है। जो तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, ठीक है, हमें बाहर खुले में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार जैसे हेतु मशीन, ठीक है, खुली कार सुरक्षित नहीं होती। हमें खुले मैदान, ऊँचे वृक्ष होते हैं, ठीक है, पार्क कुछ होते हैं, ऊँचे स्थान पर जो है तड़ित जो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। ऊँचे स्थान है वहाँ पर तो बिजली जो हमारी तड़ित है वो और भी जल्दी गिर सकती है, ठीक है। तो तड़ित झंझा के समय हमें छाता लेकर के जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, कि मैंने अभी आपको बताया वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आप भी हो सकते हो, ठीक है, पृथ्वी पर। यदि हम वनों में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे जो है हमें जाना चाहिए, ठीक है। यदि हम किसी ऐसे खुले स्थान पे हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो हमें वृक्षों से काफ़ी दूर जो है कुछ इस चित्र के अनुसार जो है वो बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अपनी शरीर को जो है वो जमीन पर नहीं लेटाना चाहिए, ठीक है, जमीन पे क्या करना है, सिमट करके नीचे बैठ जाना चाहिए ताकि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारा परिमाण है वो कम हो जाए और हम जो है वो धनावेश में जो है वो कुछ लघुत्तम लक्ष्य जो है उसका बन सके, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो है वो न गिरे संभवतः, ठीक है। अब बात करते हैं घर के भीतर आप किस तरह से रह सकते हो।
तनित टेलीफोन के जो तार होते हैं, विद्युत तार, धातु के पाइप जो है इनके ऊपर जो है वो आघात कर सकता है, ठीक है, तनित जो होती है। ठीक, तो तनित झंझा के समय जो है हमें इन सभी उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, मोबाइल फोन या फिर जो बिना डोरी जिनके अंतर्गत जो है वो आप कह सकते हो असंपर्क वाली चीजें जो होती हैं, ठीक है, वायरलेस चीजें जो है वो अधिकतर उपयोग करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बुद्धिमानी पूर्ण ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के ऐसे घर पे फोन लगा दो कि जहाँ पे वो जो व्यक्ति है उसके पास जो है वो वायर टेलीफोन हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा टेलीफोन है, आप जानते हो कि जो वायर होते हैं ये विद्युत का सुचालन जो है वो करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीज़ें जो हैं उपकरण के जो प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, इन्हें हमें वहाँ से निकाल देना चाहिए। बल्ब तथा ट्यूबलाइट जो है ये आप वहाँ पर जला सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं तड़ित चालक के बारे में, ये तड़ित चालक क्या होता है। तो तड़ित चालक एक ऐसा चालक होता है जिसके माध्यम से आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं, जो तड़ित होता है वो क्या करता है कि जमीन के अंदर चला जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निर्माण कार्य जो है वो करना होगा कि आपको अपने भवन के सबसे ऊपर जो है एक तड़ित चालक लगाना होगा, जो कि आपको दीवार के माध्यम से जमीन के अंदर तक आपको लाना होगा। कहाँ तक? जमीन के अंदर तक आपको लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो तड़ित चालक है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो बिजली गिरी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसके माध्यम से होते हुए वो नीचे जो आपकी ये प्लेट है, ठीक है, तांबे की, इसके यहाँ तक आएगी और ये क्या करेगा कि पृथ्वी के अंदर जो है सभी स्थानों पे इसे क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है, जिससे तड़ित को एक बड़ा जगह जो है वो मिल जाएगा, जिससे कि वो क्या है आपको जो है कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा सकती। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम तड़ित चालक अपना छत से लेकर के ज़मीन तक लाए हैं, इसे जो है हमें किसी पाइप के अंदर जो है वो रखना चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति जो है वो भूल से इसे अगर छू सकता है, ठीक है, तो उसे क्या है गंभीर चोट जो है वो लग सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंप की, ये भूकंप क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक तड़ित के बारे में बात कर ली है, ये भी भूकंप जो है ये एक प्राकृतिक परिघटना होती है जो कि मानव जीवन की संपत्ति को बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश हम कुछ हद तक इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि जो मौसम विभाग होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ क्षेत्रों में बने रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है, लेकिन यदि तड़ित झंझा होती है इसके साथ सदैव तड़ित चक्रवात ये सारी चीज़ें जो है वो आने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जो हमारे भूकंप होते हैं इसके आने की संभावना जो है हमें किसी भी प्रकार से जो है वो पता नहीं चलता है, ठीक है, कि यह भूकंप होता है, ठीक है, हम सक्षम नहीं हो पाए, इतने अभी हमारा विकास नहीं हो पाया कि हम भूकंप के आने वाली परिघटनाओं को या फिर जो भविष्य में भूकंप आएंगे उनकी गणना जो है वो हम कर सकें, ठीक है। यह एक विशाल स्तर पर जनजीवन की संपत्ति को क्षति जो है वो पहुँचाता है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2005 को भारत की उत्तरी कश्मीर, उरी तथा तंगधार शहर में एक बड़ा भूकंप आया था, जो कि पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को एक बड़ा भूकंप जो है वो आया था। आप यहां पे देख सकते हो अगर भूकंप आता है जो कि जम्मू कश्मीर में आया था, कितनी भारी मात्रा में जो है वो घरों को तहस नहस कर देता है, ठीक है, और जो लोग होते हैं उनको कितनी क्षति जो है वो पहुँचाता है, ठीक है। तो भूकंप जो है ये होता क्या है, ये कहाँ से आता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, इन सारे प्रश्नों को जो है हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंप ये होते क्या हैं, ठीक है। तो जो भूकंप होता है ये बहुत ही कम एक सूक्ष्म झटका होता है, एक सूक्ष्म कंपन होता है जो कि पृथ्वी के जो भूपरपट्टी होती है उसकी गहराई में जब कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्लेटें पाई जाती हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, इनके क्या है कि आप कह सकते हो कि इनके इधर उधर आवागमन के कारण ही क्या होता है कि भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो प्रायः इसे नोटिस नहीं किया जा सकता है कि एक विशाल भूकंप जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, जो कि किसी भवन, पुल, बांध तथा लोगों को असीमित मात्रा में जो है वो क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म झटका होता है जो कि अगर आप किसी भी चीज़ को सहने के लिए अगर बनाए हो तो वो जो है उसे सहन कर सकता है, लेकिन अगर वो जो है उसका जो आप कह सकते हो कि तीव्रता है अगर 3 से कम है तो कोई भी चीज़ जो है वो उसे सह सकती है, लेकिन अगर वो 5 से अधिक है
तो क्या है कि वो किसी भी चीज़ को तहस नहस करने में एक सेकेंड का भी समय जो है वो नहीं लेगा, ठीक है। तो भूकंप के से जो है ये भूस्खलन होते हैं, सुनामी आते हैं, अगर जो महासागरों में जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वहाँ पे एक ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उत्पन्न होती हैं जो कि सुनामी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अभी 26 दिसंबर 2004 में ही सुनामी के जो झटके हैं या फिर जो सुनामी है वो जो है कि महासागर के चारों जो निकटवर्ती क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो कि जो आपके क्षेत्र हैं उन्हें बहुत ही भारी नुकसान जो है वो भरना पड़ता है। तो भूकंप का कारण क्या होता है, ठीक है। तो जो भूकंप का कारण होता है, लोगों में ये अवधारणाएं मनगढ़ंत धारणाएं होती हैं कि भगवान है जो अपने हाथ पे धरती को लिए हुए हैं, ठीक है, अपने हाथ को बदलते हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होती। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर जो है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो इसकी गहराई में जब गड़बड़ होते हैं, इनमें भू स्पंदन आते हैं, भूमि जो है थोड़ी हिलती है, ठीक है, इनके अंदर कंपन होते हैं जो कि भूपरपटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की ये परत जो है खंड में नहीं है, ठीक है, ये टुकड़ों में विभाजित होती है, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये प्लेट जब गति करते रहते हैं, निरंतर ये गति करते हैं, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये ऐसी क्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत जो है वो इंडियन प्लेट है, पूरा भारत जो है जैसे कि नक्शा में आप यहाँ पर देख सकते हो वो क्या है, इंडियन प्लेट है, ठीक है। और ये जो आपका पूरा एशिया है, आपका यूरोप है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूरेशियन प्लेट में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये सारी जो है वो आपके अरेबियन प्लेट में आती है, ठीक है। तो जो प्लेटें होती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जो आपकी भारी प्लेट होती है, जैसे कि मान लीजिए ये नीचे की तरफ दब रही है, तो ये कौन सी प्लेट होगी, हल्की होगी, तभी तो नीचे दब रही है, हमारी कौन सी प्लेट है, भारी प्लेट है, ठीक। यही दोनों क्रिया जो है वो हमारे तिब्बत के पठार में जो यूरेशियन प्लेट है और जो हमारा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट एक हल्की प्लेट है और यूरेशियन प्लेट जो है ये एक भारी प्लेट है, ठीक है। तो जो हल्की प्लेट होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारी भारी प्लेट होती है, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक, ये हमारा हल्का प्लेट है, ठीक है, ये हमारा भारी प्लेट है, ठीक है, क्योंकि भारी प्लेट सदैव जो है वो नीचे आती है, हल्की प्लेट सदैव ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन प्लेट है ये क्या है, ये भारी प्लेट है और यूरेशियन प्लेट एक हल्की प्लेट है, जो कि इंडिया जो है, इंडियन प्लेट जो है धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट, जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारा प्लेट है, ठीक है, और ये जो है यूरेशियन प्लेट है, ठीक। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे इंडियन प्लेट है ये कर क्या रहा है कि ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है वो जा रहा है, ठीक है। इसी के कारण जो हमारा हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि इनके कारण जो है यहाँ पे जो है एक दबाव उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ की जो भूमि होती है वो ऊपर की तरफ उठती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टकराती प्लेट और तथा रगड़ती प्लेट, ठीक है, जब एक दूसरे की प्लेट जो है वो विपरीत दिशा में जाती हैं तथा एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रगड़ती हुई जाती हैं, ठीक है। तो ये प्लेट पृथ्वी की जो प्लेट होती है ये जो है रगड़ती हुई जाती है, यद्यपि हम भूकंप के आने का निश्चित रूप से तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये संभव नहीं कर सकते कि भूकंप के आने के समय जो है भविष्यवाणी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पे ये जो हमारी प्लेटें जो हैं वो पाई जा रही हैं ये कब और किस समय आपस में टकरा सकती हैं, आपस में रगड़ सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है हम कोई भी भविष्यवाणी या फिर कोई भी स्थान जो है वो नियत नहीं कर सकते क्योंकि पूरी पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो भूकंप की प्लेटों के गतियों के कारण जो है वो उत्पन्न होता है, अब इसे आपने तो देख लिया, ठीक है। जहाँ प्लेटें सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ पे भूकंप आने की संभावना जो है वो अधिक होती है, ठीक है। इन दुर्बल क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, भूकंपी क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भ्रंश क्षेत्र होते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिक क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, ठीक है, उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान होते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में ये कुछ खतरे के क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो भूकंप की शक्ति जो होता है उसे एक आर रिएक्टर नामक पैमाने से जो है वो मापा जाता है, ठीक है। तो जो अधिकतर विनाशकारी भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक होता है,
ठीक है, और भुज तथा कश्मीर में आए वाले दोनों भूकंपों का परिमाण जो है वो कितना था, 7.5 से अधिक था। ठीक है, तो भू स्पंदन पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंग जो है वो होती है जो कि भूकंपी तरंग कहलाती है। ठीक है, इसीलिए भूकंप लेखी नामक उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, एक स्टैंड की सहायता से डोरी और एक लोलक, ठीक है, पेन जो है, ठीक है, पेन के माध्यम से एक चुंबक जो होता है उसके माध्यम से, डोरी के माध्यम से एक जगह आप कह सकते हो कि स्थापित कर दिया जाता है, तथा एक घूर्णी ड्रम के माध्यम से जो है उसे जमीन पर लगा दिया। जब भूकंप के तरंगों को महसूस किया जाता है तो ये डोरी स्वतंत्र है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे पेन होती है ये भूकंप के कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैटर्न होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे बना देता है कुछ इस प्रकार की जो पैटर्न होते हैं उसे क्या करता है वो बना देता है, ठीक है, जिसे जिसका उपयोग जो है वो हम भूकंप लेफी आरेख में करते हैं, तथा इस ड्रम के ऊपर एक सफ़ेद कागज़ जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है, जो कि गोल गोल घूम करके यही कार्य जो है वो करता रहता है, ठीक है, और इसी के माध्यम से जो है वैज्ञानिक जो होते हैं वो भूकंप तरंगों के जो क्षेत्र होते हैं उनका चित्र जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पैमाना होता है वो डेसिमल, ये अन्य उदाहरण होता है, रिएक्टर पैमाना जो है वो रैखिक नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो पैमाना है छः जो है परिमाण के भूकंप जो है वो क्षतिनाशी ऊर्जा जो है वो चार परिमाण के भूकंप जो है विनाशकारी ऊर्जा के डेढ़ गुनी अधिक नहीं है। ठीक है, वास्तव में ये परिमाण जो है दो की वृद्धि अर्थात, ठीक है, 1000 गुनी अधिक विनाशकारी ऊर्जा होती है। ठीक है, छह जो है छह परिमाण के लिए किसी भूकंप के विनाशकारी ऊर्जा चार परिमाण भूकंप की तुलना के लिए 1000 गुनी अधिक हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भूकंप से बचाव, जो भूकंप आते हैं उनसे जो है वो हम बचाव जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भूकंप होता है अगर उसे क्या करना है, उनसे हमें अपने आप को बचाव करना है तो हमें क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए भूकंप आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी बिल्डिंग में हो तो आप जल्द से जल्द खुले स्थान पर जाने के लिए सोचो। ठीक है, सर्वप्रथम इन क्षेत्रों में जो है भवनों के डिजाइन जो है भूकंपों के झटकों को सह सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, ऐसे आधुनिक भवन का निर्माण जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि ढांचे अगर सरल नहीं है तो भूकंप का निरापद जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, किसी योग्य आर्किटेक्ट की संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए कि वो एक ऐसे भवन का निर्माण करे जो कि भूकंप के झटकों को भी सह सके। ठीक है, अत्यधिक भूकंप क्षेत्रीय भवन के निर्माण के लिए भारी पदार्थ अपेक्षा मिट्टी अथवा जो इमारती लकड़ी होती है इसका उपयोग जो है वो अधिक अच्छा होता है। या ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अलमारी दीवार, ठीक है, इनके साथ अगर हमें जड़ना अधिक अच्छा होता है, ठीक है, इनमें से जो है आसानी से न गिरे। ठीक है, दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक जिसे गीजर बोलते हो, गाइजर, ठीक है, आदि दीवार को लटकते समय हमें सावधानीपूर्वक रखना है ताकि भूकंप के आने पर जो है ये लोगों के ऊपर न गिरे। ठीक है, और हमारे जो भवन होते हैं भूकंप के कारण जो इसमें आग लग सकती है तो उसके अंदर आवश्यक ऐसे अग्निशमन रखें, ठीक है, जिसके कारण जो है इन पर तुरंत हम काबू पा सकें। ठीक है, भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी को हमें विकसित करना चाहिए। ठीक है, अगर हम घर में हैं तो क्या करें, अगर भूकंप आ गया तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटके के रुकने तक वहीं रहें। ठीक है, दूसरा किसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। ठीक है, तीसरा है कि यदि आप बिस्तर पर हों तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। ठीक है, अगर घर से बाहर हो तो भवन तथा वृक्ष के ऊपर जो है जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें, खुले स्थान की खोज करें, धरती पर लेट जाएं। ठीक है, लोगों को ये सूचना दें कि भूकंप जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित स्थान पर जाएं, लोगों को बचाने का कार्य करें। ठीक है, ड्राइवर से कहें कि वो धीरे धीरे क्या करें, खुले स्थान पर पहुँचे। ठीक है, भूस्पंदन समाप्त होने पर ही पहली बार जो है वो न निकलें। ठीक है, क्योंकि एक बार भूस्पंदन समाप्त होने के बाद जो है कई बार और भी झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका अभ्यास का प्रश्न है देखते हैं क्या है। नंबर एक है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, जो हमारे तांबे की छड़ है इसे नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर दो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ का तथा कपड़ा दोनों धनावेशित कर लेते तो हम जानते हैं कि धनावेशित हो जाता है, लेकिन कौन सा कांच का छड़, तो कपड़ा हेड़ावेशित हो जाता है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है,
निम्नलिखित कथन में सही सामने टी तथा एफ लगाना है। सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है। सजातीय आवेश अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। आवेशित कांच की छड़ जो है आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, सही है, ठीक है। क्योंकि आवेशित कांच का छड़ क्या होगी ये आपकी पॉजिटिव होगी, प्लास्टिक स्ट्रा क्या होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तनिक चालक किसी भवन की तनित सुरक्षा नहीं कर सकता, गलत है भाई, करता है, क्यों नहीं करता है। भूकंप भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, हमारे पास अभी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, सर्दियों में स्वेटर जो है उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो सर्दियों में जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो हमारे कपड़ों के बीच तथा हमारे शरीर के बीच जो है वो आवेशों के कारण हमारे शरीर में धन आवेश तथा कपड़ों में जो है वस्त्रों में ऋण आवेश होता है, जिसके माध्यम से जो है हमें चटपट की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। तो ये सारी क्रिया जो है हमारे शरीर में, तो कभी कभी जो है यहाँ पे छोटी छोटी चिंगारियाँ जो है वो भी हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। 5वां, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आपकी आवेश खो देती है, ठीक है, व्याख्या कीजिए। तो हम जानते हैं जो हमारा मानव शरीर होता है वो विद्युत का एक अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी वस्तु को छूते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में उस वस्तु का आवेश आता है तथा हमारे शरीर से होते हुए वो आवेश जो है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिसके माध्यम से जो है उसका आवेश जो है वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पैमाने की का नाम उस पैमाने का नाम लिखे जिसपे भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा जो है मापी जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे भूकंप होते हैं उनके जो मापे तरंगे जो हैं वो मापी जाती हैं, वो किसके माध्यम से मापी जाती हैं, एक रिएक्टर नामक, फिर क्या, रिक्टर, रिक्टर और रिएक्टर में आप जो है वो कन्फ्यूज हो, तो रिक्टर के द्वारा जो है पैमाने जो है इसे मापा जाता है, ठीक है। यदि पैमाने में किसी भूकंप की माप अगर 3 है तो वो जो है भूकंप जो सेमीग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि यह सेमी ग्राफ जो रिकॉर्ड है जो कि हमने देखा था, यहाँ पे आप उसका फिगर जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके माध्यम से जो है वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉर्ड वहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, इससे हमें तो हानि पहुँचेगी लेकिन उतनी अधिक विनाशकारी तरंगे जो हैं वो अगर माप 3 पे जो है भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वो उतने विनाशकारी जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तणित से अपनी सुरक्षा के जो है वो 3 उपायों को लिखिए, ठीक है। तो जो तणित की सुरक्षा है उसमें क्या है कि हमें किसी भी स्थान पे जो है खुले स्थान पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। गरज सुनने के बाद, ठीक है, हमें कुछ समय बाद जो है वहाँ पे जो है कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा गरज है उसे सुनने के बाद जो हमें तुरंत चेतावनी लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अगर हम खुले में हैं तो हमें खुले स्थानों पर या फिर जो खुले वाहन होते हैं उनके अंदर शरण नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे वाहनों के अंदर शरण लेना चाहिए जो कि बंद हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आवेशित गुब्बारा जो है दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे जो है आवेशित गुब्बारे के द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो जो आवेशित गुब्बारे होते हैं, तो अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी चीज़ को आवेशित कर रहे हो तो गुब्बारा जो है अगर आप उसे कपड़े से रगड़ते हो दोनों पे जो है वो धन आवेश होगा, धन आवेश है तो दोनों क्या करेंगे कि आकर्षित नहीं कर प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक अगर अनावेशित है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो वहाँ पे ऋण आवेश होगा, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे ऋण आवेश, क्योंकि रगड़ने के बाद जो है प्रत्येक चीज़ में जो है वो आवेश होता है, ठीक है। मेरे बाल है, मेरे बाल में धन आवेश है, हाथ है उसमें धन आवेश है, ऋण आवेश, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, ठीक है। तो जो अनावेशित हमारा जो गुब्बारा होता है और जो आवेशित गुब्बारा होता है, ठीक है। तो आवेशित गुब्बारा जो है वो अनावेशित गुब्बारे को क्या करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है। क्योंकि एक के ऊपर आवेश होता है तथा दूसरे के ऊपर कोई भी आवेश जो है वो नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग जो है हम किसी आवेशित वस्तु को पहचानने में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अगर गुब्बारे वाला अगर हम उदाहरण लें कि हम 2 गुब्बारे को क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो दीवार से लटका देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
कि इन्हें हम क्या करेंगे कि कपड़े से जो है रगड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों के ऊपर जो है वो क्या होगा कि आवेश जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम पहचान सकते हैं कि दोनों में जो है वो धन आवेश होगा, ठीक है। एक को क्या कीजिएगा, आप उस पर एक गुब्बारे पे कोई भी आवेश मत का लाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर इससे भी अच्छा उदाहरण करना चाहो तो आप अपने बालों में जो है जो प्लास्टिक की कंघी होती है, ठीक है, उसे क्या करो, आप अपने बालों पे रगड़ो, ठीक है। और फिर इसके बाद बालों को रगड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या है कि आपको उनके पास प्लास्टिक की कंघी को ले जाना है। तो आप वहाँ पे ये देखोगे कि जो हमारा कागज़ है उसके ऊपर ऋण आवेश है, लेकिन जो हमारा प्लास्टिक है जिसके ऊपर जो हमारे आप ये कह सकते हो कि बालों से रगड़ा है, उससे हमारे बालों से कुछ धन आवेश जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं, जो कंघी है उसके अंदर, ठीक है। और इससे आप पता कर सकते हो कि किसके ऊपर धन आवेश है, किसके ऊपर रगड़ा, तथा आवेश में भिन्नता जो है आप यहाँ पे प्रकट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के उन तीन राज्यों की सूची बनाए जहाँ पे भूकंप, एक तो आपका क्या था, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जो हमारा गुजरात है, ठीक है, और जो हमारा लद्दाख है, जो कि अभी तो ये तो जम्मू कश्मीर में ही आता है, ठीक है, और जो हमारे सिंधु गंगा के मैदान हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए आपके घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो अपने बचाव के लिए आपको क्या सावधानी बरतेंगे, ठीक है। अगर कोई भूकंप जो है वो आता है, अगर हम घर के अंदर हैं तो क्या करेंगे, हम किसी मेज के अंदर जो है छुप जाएंगे, ठीक है, किसी ऐसी ऊंची वस्तु के या फिर भारी वस्तुओं के पास जो है वो खड़े नहीं होंगे जहाँ पे जो है हमें हानि पहुँच सके, ठीक है। अगर हम बिस्तर पे हैं तो वहाँ से उठें ना, बल्कि अपने सर पे जो है वो तकिए को ढक लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कि मौसम विभाग या भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन हो तड़ी झंझा की संभावना है, और मान लीजिए कि यह जो है उस दिन आपको बाहर जाना है तो आप छतरी लेकर के जाएंगे, तो जो मौसम विभाग है अगर वो कहता है कि किसी दिन तड़ी झंझा की संभावना है तो आपको जो है वो छाता लेकर के छतरी लेकर के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारी तड़ित झंझा होती है यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बादल के ऊपर तथा नेगेटिव टर्मिनल जो है बादल के नीचे होते हैं, ठीक है, तथा पृथ्वी पर जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वस्तुएं जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि हमारी जो ऋणात्मक आवेश की जो बादल है उनसे संपर्क करके एक तड़ित जो है वो चालन कर सकती है, ठीक है, और वो पॉजिटिव वस्तु जो है वो आप भी हो सकते हो, ठीक है। इसीलिए मौसम विभाग भविष्यवाणी ये करता है कि आपको जो है तड़ित झंझावात की संभावना है, आप बाहर ना जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है कुछ प्राकृतिक घटनाओं, ये समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।